मैं मोबाइल में अपने हाथों से ब्रिज किया करता हूँ। ब्रिज करते हुए बहुत बार गिर भी गया हूँ। मैं मेरी तरफ से आपको 5 लाख रुपए की भेंट देना चाहती हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। चलो अब तो पीसी खरीदूंगा जाके। सो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल, आई एम बैक। एक सेकंड, तो तुम लोग मुझे भूल तो नहीं गए? ये साला सूरज तो गाइस, आज की वीडियो में मैं तुम्हें देने वाला हूँ ब्रिजिंग करने की कुछ 7 टिप्स। भाई सब ये गाना कहाँ से बज रहा है यार? कौन बजा रहा है भाई ये? सॉरी माई भाई। तो गाइस 7 को कैंसिल करते हैं और 7 की जगह हम लोग 5 से काम चलाने वाले हैं। और आखिर में तुम्हें मैं हर बार की तरह कुछ जुगाड़ बताने वाला हूँ, एंड तक जरूर देखना। सो अकॉर्डिंग टू द 2-10 first लॉ ऑफ ब्रिजिंग, तुम्हें सेटिंग्स पे ध्यान देना है, गेम की सेटिंग्स पे। साला गेम की भी सेटिंग है यार। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं सेंसिटिविटी की। तो गाइस मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसको 50 से कम और उससे भी कम रखो, क्योंकि ज्यादा तो यार सिलेबस भी है ना। टूटा हुआ तो FOV तुम अपनी मर्जी से रख सकते हो। तुम मेरा पूछोगे मैं क्या रखता हूँ, मैं रखता हूँ 79, क्योंकि मुझे पसंद है 16। तो अकॉर्डिंग टू द 2-10 second लॉ ऑफ ब्रिजिंग, तुम्हें अच्छी तरीके से हिलाना आना ही चाहिए ब्रो। एक सेकंड, मैं जॉयस्टिक हिलाने की बात कर रहा हूँ भाई, तुम सभी लोग नरक में जाओगे यार। हाँ मैं भी तुम्हें वही मिल जाऊंगा। yes, yes, yes! तो गाइस तुम्हें किसी भी ऐसे प्रकार के पर्टिकुलर आइलैंड पे आ जाना है और अपनी जॉयस्टिक को हिला के स्क्रीन को उनको कॉम्बिनेशन बिठा के अच्छे से यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश करनी है। और हो सके तो तुम लोग यहाँ पे एक सीधी लाइन में चल सकते हो जॉयस्टिक की मदद करके, काफी लोगों को ये भी नहीं आता यार। और गाइस पिछले 15 दिनों से मैं तुम्हें 3 चीजें कुछ बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं बता नहीं पा रहा था, तो वो है लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो अगर तुम लोग सच में फास्ट ब्रिजिंग सीखना चाहते हो तो तुम्हें सर्वर पे बिल्कुल भी सीखना नहीं है, एक्चुअली तुम्हें सीखना है यहाँ पे एक प्रैक्टिस ऑफलाइन मैप पे, जो भी पढ़ा आई उस प्रैक्टिस मैप, जिसकी लिंक मैं तुम्हें पिन कमेंट में दे दूंगा, क्योंकि अगर डिस्क्रिप्शन में दूंगा तो मेरे को यूट्यूब वाले पकड़ लेंगे। कमेंट बॉक्स में कोई पकड़ सकता है क्या भाई? एकर। सो अकॉर्डिंग टू द 2-10 third लॉ ऑफ ब्रिजिंग, तुम्हें अपना पर्टिकुलर कोई एक स्टाइल सीखना होगा ब्रिज का, जैसे हो सकता है नॉर्मल फ्रॉस ब्रिज हो, या फिर वो हो एस्थेटिक ब्रिज, या फिर हो माइकल जैक्सन का मून वॉक। यो हो, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नॉर्मल ब्रिज सिखाने वाला हूँ। लेट करते हैं, 1, 2, 3, 4 ब्लॉक्स है और मैं इस वाले ब्लॉक पे खड़ा हूँ। हाँ मुझे पता है मेरे ब्लॉक पे खड़े रहने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मुझे फास्ट ब्रिज कौन से ब्लॉक से स्टार्ट करनी होगी। तो मुझे लगता है मुझे फास्ट ब्रिज इस वाले ब्लॉक से स्टार्ट करनी होगी, लेकिन अगर वो ब्लॉक में इधर प्लेस करता तो इसीलिए गाइस हमेशा तुम्हें फास्ट ब्रिजिंग 3rd या फिर 4th ब्लॉक से ट्राई करनी है। मैं तुम्हें 3rd ब्लॉक से करके दिखाता हूँ, लेट सी देखो। और तुम्हें जॉयस्टिक को भी चलाना है, अगर तुम लोग जॉयस्टिक नहीं चलाओगे तो तुम्हारा कुछ ऐसा सीन हो जाएगा, तो तुम्हें जॉयस्टिक को एकदम सही टाइम पे आगे ले जाना ही पड़ेगा भाई। और बाकी तुम आगे चल के ऐसे कुछ कर सकते हो, कुछ ऐसे कॉपी कर सकते हो, कुछ ऐसे ये मत कॉपी करना। और अगर तुम लोग की भी मेरी तरह वो वाइड वाइड से फटती है तो भाई तुम लोग भी क्रिएटिव वर्ड बना के कुछ ऐसे जमीन पे ट्राई कर सकते हो। अबे ऐसी स्क्रिप्ट किसने बनाई है यार? अच्छा मैंने ही बनाई थी। तो सेकंड स्टाइल ऑफ ब्रिजिंग है मून वॉक ब्रिजिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे तुम्हें अच्छे से एम करना है, देन एक साथ जॉयस्टिक और ये 2 बटन क्लिक करने हैं, बाकी आगे का सीन तुम्हारा ऊपर वाले के भरोसे। अरे अंकल जी आप नीचे क्यों आ रहे हो? मैं तो भगवान की बात कर रहा था। और इसी चीज को तुम लोग उल्टा होके करोगे तो हम लोग इसको बोलते हैं मून वॉक ब्रिजिंग, है ना? सुना तो होगा तुम लोगों ने नाम। भाई कोई तो हाय बोलो यार। तो गाइस नेक्स्ट स्टाइल ऑफ ब्रिजिंग है अपना एस्थेटिक स्टाइल ऑफ ब्रिजिंग। ये वाला स्टाइल ब्रिजिंग का काफी ज्यादा पॉपुलर हो रखा है, बस मैं इस्तेमाल नहीं करता था इसका। तो इसके अंतर्गत तुम्हें यहाँ पे ब्लॉक प्रेस करना और आगे एक सेकंड भाई, प्रो लोगों से भी गलती होती है यार। तो तुम्हें यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ब्लॉक प्रेस करके स्क्रीन को नीचे कर देना और जॉयस्टिक को हल्के से आगे ले जाना है। तुम लोग देखो यार मैं यहाँ पे कुछ भी करता हूँ लेकिन भाई ये वाला अंगूठा ना स्क्रीन से निकलना नीचे एक बार प्रेस करने के बाद। ये प्रो टिप है यार, तुम्हें काफी कम लोग देंगे। काफी आसान है यार फास्ट पिच, काफी आसान है भाई फास्ट पिच को करना यार। भैया इसको आता है इसलिए आसान बोल रहा है। ओए मुन्ना तू ठीक बोल रहा है। ओए सुनो हत्यारे जैक भाई, किलर एपिक किलर। हाँ भाई अगर तेरे में दम है तो उल्टा हाथ से करके दिखा। जैक भाई शायद से आपने यार मेरे को जानते नहीं हो यार। हाँ जानते भी कैसे होगे। खैर अब बात ईगो पे आई गई है तो
हैप्पी किलर इज ऑलवेज रेडी मैन, तो लेट्स गो लेफ्ट हैंड करते हैं और ये ब्रिजिंग स्टार्ट। एक सेकंड मेरे को समय चाहिए थोड़ा सा, मेरे शस्त्र अस्त्र को मेरे को चेंज करना पड़ेगा भाई ब्रिजिंग करने के लिए। तुम्हें पता नहीं शायद से डोरेमोन का ब्रांड न्यू गैजेट है मैन, वैसे ये तो मुझे भी नहीं पता। खैर चलो ब्रिजिंग पे ध्यान देते थोड़ा सा, मुझे यहाँ पे ब्लॉक प्लेस करना है और लेट्स गो। पहली बार होता है तो लेट्स गो स्टार्ट कर दिया। ओके देख लो जैक भाई कर दिया ना। ओए चलो बिना हाथ के करके दिखा हैं इसकी बे। तो गाइस फास्ट ब्रिजिंग करने का जुगाड़ देख लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। तो गाइस तुम्हें क्या करना है, सिंपली एक ब्लॉक प्लेस करना है, फिर उसके ऊपर आ जाना है और इस बटन को क्लिक करके रखना है, देन तुम्हें जॉयस्टिक को आगे ले जाना है और तुम्हें बनी बनाई फास्ट ब्रिजिंग मिल जाएगी भाई। ये उतना ही इजी है तुम्हारे लिए जितना कि तुम्हारे लिए चलो छोड़ो यार, वैसे भी ये चलो बच्चों के लिए ना कि बच्चे। तो बोनस ब्रिजिंग स्टाइल के लिए तुम लोग ये वाला स्टाइल देख सकते हो, तुम लोग खुद ही देख लो यार मैं कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद समझ आ रहा है मैं कैसे कर जा रहा हूँ। वो बात अलग है कि ये 999 अटेम्प्ट है मेरा। सो आई होप कि तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आएगी, मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई। ये वीडियो देखते कॉमेंट में आने की आदत पड़ गई भाई। One kiss is all it takes.